अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अभी मैं दोस्तों छत के ऊपर जा रहा हूं, तो चलते हैं ऊपर छत के ऊपर और अपनी मुर्गियों को खोलते हैं, परिंदों को देखते हैं। तकरीबन जो टाइम हो रहा है दोस्तों, 7:45 का टाइम है। तो इस टाइम दोस्तों मैं रोज़ जाता हूँ, मुर्गियों को खोलता हूँ और परिंदों को दाना वगैरह डालता हूँ। कल क्या था दोस्तों कि मैंने लकी कबूतरों को ऊपर वाले खाने में बंद कर दिया था और मुर्गियों को, चूज़ों को नीचे वाले डब्बों में बंद कर दिया था। तो चलते हैं दोस्तों, खोलते हैं अपनी मुर्गियों को, अपने परिंदों को। माशाल्लाह से दोस्तों हमारी डायमंड डब्स ये देखें नेस्टिंग पर बैठी हुई हैं और धूप सेक रही हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं दोस्तों, काफ़ी भाई कह रहे होते हैं कि डायमंड डब्स को धूप बहुत पसंद है और अच्छी ब्रीडिंग के लिए इनको धूप देना बहुत लाजमी है। तो हमारे मास्टर केज में दोस्तों तकरीबन 8 बजे तक धूप आ जाती है और फिर 11 बजे तक धूप ही रहती है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, सर्दियों में परिंदे भी इंजॉय करेंगे धूप को। तो अभी दोस्तों हम खोलते हैं अपने मुर्गियों को और दाना वगैरह डालते हैं। तो ये जी हमारे पिजन, माशाल्लाह से दोस्तों ये देखिए, इन्होंने ये जो पानी मैंने रखा था दोस्तों, ये वाला हमारे लकी कबूतरे ने दोस्तों हमारे घर में नहा भी लिया है माशाल्लाह से, और काफ़ी मैले भी हुए पड़े थे ये, इन्होंने आज नहाए हैं तो फ़र्क पड़ जाएगा, साफ हो जाएंगे। तो ये जी हमारे चूज़े और मुर्गी हैं, ये हम खोलते हैं इनको। ये माशाल्लाह, आ जाओ जी आ जाओ, टाइम हो गया निकलने का। ये देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दोस्तों बड़ी मुर्गी ने यार छोटे चूजे को जख्मी कर दिया है। जल्दी से दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये ना हो कि दर्द की वजह से ये मर जाए। दुआ करें दोस्तों कि जल्दी से ये ठीक हो जाए, बहुत ही गहरी चोट पहुंची हुई है दोस्तों इसको। ये हमारी दोस्तों गोल्डन मुर्गी का चूजा है। तो रात को दोस्तों मैंने बंद कर दिया था एक साथ, मुझे नहीं था अंदाज़ा कि ये बड़ी मुर्गी इसको इस तरह इस कदर मारेगी। तो मास्टर केज में दोस्तों ये सेव रहेगा, क्योंकि बाहर अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो बाहर ये सेव नहीं है और चलने में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मैं मास्टर केज में इसको दोस्तों छोड़ता हूँ और बाकी मुर्गियों को भी खोलते हैं। दुआ कीजिएगा कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है इसे दोस्तों, मुझे नहीं था अंदाज़ा कि ये भी हो जाएगा। इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद तो है कि ये ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, ये देखें दोस्तों। तो इसको दोस्तों मैं अभी मास्टर केज में रहने देता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, बहुत बुरी खबर मिल गई है। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल जहन में नहीं था कि ऊपर जब जाऊँगा तो ये हो जाएगा। नुकसान एक और हमारा होते होते बच गया है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी 50-50 है दोस्तों, ये बच भी सकता है और मर भी सकता है। इस मुर्गी ने दोस्तों उस चूजे को मारा है और इसकी आप चूँच देख सकते हैं, सारी खून से भरी हुई है। ये देखें दोस्तों इसकी चूँच आप देखें, ये सारी खून से भरी हुई है, ये देखें। पता नहीं दोस्तों क्या दुश्मनी थी इसकी उस चूजे के साथ, क्या हुआ चूज़ा इस मुर्गी को करता है, कुछ समझ नहीं आ रही दोस्तों। खैर हम दूसरी मुर्गियाँ दोस्तों खोलते हैं। ये मुर्गी सबको मारती है, अब देख सकते हैं वो वाली मुर्गियाँ फुल डर से भागी हैं कि ये मुर्गी हमें कुछ कह ना दे। तो ये मुर्गी सबको ही ऐसे मारती है दोस्तों, समझ नहीं आती इस तरह से ये क्यों करती है।
सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहती है, कहती है कोई भी पास ना आए मेरे, जो भी पास आ जाए दोस्तों फुल दबा के उसके पीछे लग जाती है। समझ नहीं आती ऐसा क्यों करती है। तो मैं बार बार कहूँगा दोस्तों कि दुआ करें कि हमारा चूज़ा जल्दी से ठीक हो जाए, गोल्डन चूज़ा। ये हमारी गोल्डन मुर्गी ने दोस्तों चूज़े निकाले थे, तो उनमें से 3 तो हमारे मर गए थे, बाकी 2 ये बचे हुए थे। इन 2 में से अब एक हमारा ज़ख्मी है और एक हमारा बाहर घूम रहा है, अभी अभी हमने छोड़ा है जिसको। अच्छा था दोस्तों, कल की वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि भाई जो आपने लकी कबूतरों के खाने में पेटी रखी है नेस्टिंग के लिए, तो वो पेटी आप पीछे रख दें, पीछे की तरफ रखें, क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं है पेटी, बिल्ली भी हमला कर सकती है और दूसरा बारिश का पानी भी नेस्टिंग को फिर ख़राब कर सकता है। तो ये जो पेटी दोस्तों आप देख रहे हैं, इस पेटी की बात कर रहे हैं, तो ये पेटी भी दोस्तों हम पीछे की तरफ रख लेते हैं और हम फिर ये पानी वगैरह चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो छोटे डब्बे हैं दोस्तों हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इनको रिपेयर कराना लाजमी है। ये जो देख रहे हैं आप, इसकी भी कुंडी दोस्तों टूटी हुई है, मैंने ईंटें रखी हुई थी आज। और ये भी देखें दोस्तों, ये भी टूटा हुआ है दरवाज़ा, यहाँ पर मैं कोई भी परिंदा नहीं बंद कर सकता। ये ऐसे समझे हमारा खाना फजूल में पड़ा हुआ है इस दरवाजे की वजह से। तो इस पेटी को दोस्तों मैं दीवार की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई कह रहे थे कि भाई आप इसको दीवार की तरफ कर लें। ये तार से मैंने दोस्तों बांध दिया था, क्योंकि कल शाम को मेरा भतीजा छत के ऊपर आया हुआ था और बार बार कबूतरों को खोल रहा था, देख रहा था और कह रहा था कि मुझे पकड़ने हैं। तो मैंने जल्दी से फिर तार लगा ली थी कि ये ना हो कि ये कबूतर बाहर निकाल ले, क्योंकि हमारे लकी कबूतर जो मेल है उसके पर मैंने कल खोल दिए थे तो वो उड़ भी सकता था। तो इस वजह से मैंने ठीक तरीके से बंद कर दी थी और मुझे अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है खोलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने टाइट बांध दिया था और ये सारे आपस में अब मिल चुके हैं। तो इसको दोस्तों मैं खोल लूँ ज़रा। तो इस पेटी को दोस्तों मैं रख रहा हूँ सामने, जिस तरह से आप भाइयों ने मुझे बोला था कि सामने रख दें। हाँ तो दोस्तों ये काम तो हमारा हो गया, अब ज़रा डब्स को देखते हैं दोस्तों। माशाल्लाह से सारा दिन नेस्टिंग पर बैठी रहती हैं ये, अब अंदाज़ा नहीं है कि ये कब अंडे देंगी, किसी टाइम भी दोस्तों ये अंडे दे सकती हैं। दुआ करेंगे जल्दी से अंडे दें और हमारे मास्टर केज में मज़ीद डायमंड डब्स आएँ। और साथ में ये चूज़ा दोस्तों अब मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, पहले चलने में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी लेकिन अब ये पैरों पर अपने खड़ा हो गया है। जख्म तो बहुत गहरा है दोस्तों इसे, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक्टिव लग रहा है मुझे, आप देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जाते जाते आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।